हेलो फ्रेंड, ट्राई न्यू एवरी डे में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पिंक राइस बनाना बताती हूँ। इसे खट्टा मीठा राइस भी कहते हैं और कितने लोग इसे मीठा राइस भी कहते हैं। इसके लिए हमें चाहिए एक बड़ी कटोरी चावल, कच्चा टमाटर बड़ा बारीक कटा हुआ, बहुत बारीक, मैंने देखिए इसे बहुत बारीक काट लिया है, इसलिए काट लिया है ताकि ये तुरंत भूनते समय मिक्स हो जाए। बीट रूट, जिसे चुकंदर भी कहते हैं, उसका मैंने जूस निकाल लिया है। हमें जूस की उतनी आवश्यकता होगी जितनी हमें ये चावल पकाने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। इसमें हम पानी की जगह बीटरूट का इस्तेमाल करते हैं। नमक स्वादानुसार, 4 से 3 हरी मिर्च, 2 लहसुन की कलियां और तड़के के लिए मैंने 5 फोरन इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो राई इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें क्या है, राई, जीरा, सौंफ, अजवाइन, मंगरेला और मेथी। अब मैं बनाने जा रही हूँ। मैंने गैस को ऑन कर दिया है ताकि मेरा कुकर गर्म हो सके। गर्म कुकर में मैं तेल डालूंगी। अब हमारा कुकर गर्म हो गया है, उसमें हम तेल डालेंगे। तेल उतना ही डालेंगे जितना हमें टमाटर भुनने के लिए चाहिए। अब हमारा तेल गर्म हो गया है, इसमें हम तड़का डालेंगे। मैंने आपको पहले भी बता दिया, पचफोरन या राई का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। हमारा तड़का हो गया है, इसमें टमाटर डालकर हम भून लेंगे। मैंने आपको बताया है कि मैंने कच्चे टमाटर का इस्तेमाल किया। कच्चे टमाटर के इस्तेमाल से होता क्या है, थोड़ा हल्का खट्टा सा स्वाद देता है, क्योंकि हमारा जो ये बीटरूट होता है वो मीठा होता है, इसलिए खट्टा पन का स्वाद देने के लिए हम इसमें एक बड़ा टमाटर का इस्तेमाल करते हैं। ये पिंक राइस जो होता है बच्चों के लिए बहुत हेल्दी होता है। इसमें बच्चे जो बीटरूट वगैरह नहीं खाना पसंद करता है करते हैं, उन्हें आप इस तरह से बनाकर खिला सकते हैं, क्योंकि बच्चे रंग वगैरह देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। तो ये देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है, तो वो अवश्य खाएंगे। हो गया है, अब इसमें चावल डालकर हल्का सा भून लेंगे। टमाटर नरम होने के बाद ही आप चावल इसमें डालें। हम इसमें लहसुन की कलियां को भूनेंगे नहीं, सिर्फ ऐसे ही इसका स्वाद आएगा। बीटरूट से हेमोग्लोबिन
बच्चों के लिए अच्छा होता है और बड़ों के लिए भी। अब हमारे ये भुन गया है और इसमें हम साथ ही में नमक डाल देंगे, नमक स्वाद अनुसार। आप चाहें तो मीठा खाना पसंद करते हैं तो नमक ना डालें, लेकिन खट्टा मीठा का स्वाद आने के लिए आपको हल्का नमक डालना पड़ेगा। अब इसमें मैं बीटरूट डाल देती हूँ का जूस। देखिए कितना सुंदर अभी ही लग रहा है कलर में। अब इसे ढककर हम एक सीटी लगाकर इसे उतार लेंगे, तब तक हमारा ये बनकर तैयार हो जाता है। पिंक राइस, खट्टा मीठा राइस बनकर तैयार हो गया है। देखिए कितना खूबसूरत कलर लग रहा है। अब मैं इसे आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये काफी हेल्दी होता है खाने में। साइड वाले सच्चे साफ कर लेना। आप चाहें तो इसे ऐसे ही सर्व कर सकते हैं या थोड़ी सी इस तरह से ऐसे ही से रखकर। और मैंने बीटरूट का थोड़ा जूस रख दिया है जिसे ऊपर से डालने से और भी खूबसूरत दिखता है। देखिए सुंदर दिख रहा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।